नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिगो पेंट्स के IPO का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 11 जनवरी 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस IPO की एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये IPO इस महीने के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में ज़रूर आ जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, इंडिगो पेंट्स का जो IPO है काफी बेहतरीन IPO है और इस बात का अंदाजा आप इसके फाइनेंशियल्स को देखकर भी लगा सकते हैं। देखिए, पिछले 2-3 साल में इसके जो नंबर्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, वो काफी बेहतरीन है। उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बना दिया है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर बात करें इसकी टेंटेटिव डेट के बारे में तो देखिए, डेट यहां पर गूगल पर बताया जा रहा है कि 20 जनवरी से IPO ओपन हो सकता है और 22 जनवरी इसकी जो है लास्ट डेट हो सकती है और 15 जनवरी को इसकी जो है जो ऑफिशियल डेट्स हैं उनका अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन देखिए, ये जो डेट हैं टेंटेटिव हैं, पूरी तरीके से इसको सही नहीं मान सकते। तो इसीलिए मैं आपको बताना वाला हूं कि जो अभी न्यूज़ में आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, उससे आपको एक कन्फर्म हो जाएगा कि इसका जो IPO है वो इस महीने के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में ज़रूर आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो देखिए, ऑफिशियल प्राइस बैंड तो नहीं आया है, लेकिन जो हम प्राइस बैंड यहां पर जो गूगल पर आपको दिखता है वो 1360 रुपए के करीब दिखता है, यानी कि एक शेयर आपको 1000 रुपए से ऊपर का ही पड़ेगा। हम इससे केवल यही अंदाजा निकालते हैं और इसी के आधार पर जो है ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी चलने लगा है। अगर कल के प्रीमियम की बात करें तो 750 रुपए मिल रहा था आपको एक शेयर पर, यानी कि 1360 रुपए जो इशू प्राइस है उसके मुकाबले आपको यहां पर 750 रुपए का प्रीमियम मिल रहा था, यानी कि जो ये IPO 2110 रुपए पर लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा था। वही हम 11 जनवरी यानी आज की अपडेट देखे हैं सवेरे 10:30 की, यानी आज के पूरे दिन कितना ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, तो आज के दिन भी करीब 750 रुपये का प्रीमियम यहां पर चल रहा है, यानी कि पर शेयर आपको 750 रुपये का फ़ायदा होगा। और अगर हम 1360 रुपये के इशू प्राइस को सही माने तो ये IPO आज भी उतने पर ही लिस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देख सकते हैं आप, बढ़िया मुनाफा आपको यहाँ पर मिल रहा है। और देखिए, इसका जो प्रीमियम है शुरू से ही आपको 600 रुपये के ऊपर ही चल रहा है, यानी कि 50 से 60% के बीच में ये IPO आपको शुरू में ही प्रीमियम दे रहा है, यानी कि काफ़ी बेहतरीन ये IPO है और आपको बढ़िया गेन यहाँ पर कमा कर देने वाला है। देखिए, जो बाकी सारे IPOs निकल चुके हैं जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड, राउट मोबाइल या बर्गर किंग, वेक्टर फूड, उसी तरीके का ये IPO आने वाला है और मुझे लगता है कि आपको बढ़िया कमा कर देगा। अब बात करते हैं इसकी न्यूज़ के बारे में। देखिए, न्यूज़ यहाँ पर एक कल के दिन एक न्यूज़ आई थी जिसमें बोला गया था कि इंडिगो पेंट्स रिसीव्ड सेबी अप्रूवल टू फ्लोट IPO, यानी सेबी से इसको अप्रूवल मिल चुका है IPO लाने के लिए मार्केट में, यानी कि अब इसका जो IPO है वो कभी भी आ सकता है। देखिए, तैयारियां हो चुकी थी, जो इसको अप्रूवल मिला है वो करीब एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन करीब 1000 करोड़ का IPO कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर्स आ रहे हैं और कुछ आ रहे हैं यहाँ पर फ्रेश इशू के जरिए। तो चलिए हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं। इंडिगो पेंट्स हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी टू राइज मनी दो एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। द स्क्विडा कैपिटल बैक्ड इंडिगो पेंट्स हैज़ फिल्ड इट्स प्राइमरीली IPO पेपर्स विद सेबी इन नवंबर लास्ट ईयर, यानी कि सेबी ने IPO के लिए जो पेपर सबमिट किए थे सेबी को वो नवंबर के लास्ट ईयर के नवंबर में किए थे और अब इस IPO को जो है मंजूरी मिल चुकी है कि अब ये IPO अपना मार्केट में कभी भी ला सकते हैं। देखिए, प्राइस बैंड वगैरह ये सब पहले से तय होता है और जैसे ही ये सब प्रोसेस होती है, पेपर्स वगैरह की प्रोसेस होती है अप्रूवल की, उसके बाद कंपनी कभी भी अपना IPO लेकर आ सकती है। तो देखिए, बहुत ही जल्दी विद इन 15 डेज आपको इसका IPO मार्केट में देखने को मिल सकता है या फिर और पहले भी इसका IPO आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है द शेयर्स ऑफ इंडिगो पेंट्स आर लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन BSE सेंसेक्स एंड निफ्टी
इंडेक्सेस यानी कि एनएससी और बीएससी दोनों पर ही ये लिस्ट होने वाला है। अगर बात करें यहाँ पर देखिए इशू कितना हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं द आईपीओ विल कंप्राइज फ्रेश इश्यूरेंस ऑफ शेयर्स एग्रीगेटिंग ऑफ 300 करोड़, यानी कि जो फ्रेश इशू है वो 300 करोड़ का होगा एंड एन ऑफर फॉर सेल अप टू 58,40,000 यानी कि 58,40,000 शेयर्स जो हैं मार्केट में ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, यानी कोई इसके जो प्रमोटर्स होंगे, जो इसके शेयर होल्डर्स होंगे, वो अपने शेयर बेचकर मुनाफा यहां पर कमाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स बाय प्राइवेट इक्विटी फर्म स्क्वेटा कैपिटल दो द टू फंड्स एससीआई इन्वेस्टमेंट वीआई एंड एससीआई इन्वेस्टमेंट वी एंड प्रमोटर्स हेमंत जालान अकॉर्डिंग टू द कंपनी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डीआरएचपी फाइल्ड विद सेबी, यानी कि तीन जो कंपनियां हैं वो अपने शेयर्स बेच रही हैं। पहला है स्क्वेटा कैपिटल और दूसरा है एससीआई इन्वेस्टमेंट और तीसरा है एससीआई इन्वेस्टमेंट फाइव। तो यहां पर ये तीन चार कंपनीज हैं और प्रमोटर्स भी कुछ शेयर्स यहां पर बेचने वाले हैं। ये पता चला है आपका डीआरएचपी जो फाइल की जाती है आईपीओ लाने के लिए, मंजूरी लेने के लिए जो फाइल की जाती है सेबी को, उसमें ये सब लिखा होता है, तो उससे पता चला है। तो देखिए अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, अपना 1,000 करोड़ का आईपीओ आएगा, अपन को बढ़िया मिल यहाँ पर जो है आईपीओ मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और बढ़िया आईपीओ है तो गेन तो मिलना ही है। तो देखिए पल पल की अपडेट मैं यहाँ पर आपको देता रहता हूँ। आप हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आईपीओज आएगा या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर न्यूज़ आएगी वो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।